वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले पुनिया साहब आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, महरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी प्रैट और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष महरिया जी हैं, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष महरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं महरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, महरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए महरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में महरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोगी साबित होगा। सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है महरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं, और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष, यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाष ही सिर्फ महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाट चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर? सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और महरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी महरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, 8 की 8 सीट कांग्रेस की जोड़ी में चले गई। महरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो 8 की 8 सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या? किसानों के बड़े नेता है महरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, महरिया जी का बड़ा कद है,
किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरी सिंह जी। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष बैरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखर वाटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था। विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौर साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौर साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। देखिए मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो, वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं,
अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे। सौरभ की सुभाष ही सिर्फ महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, तीन बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और महरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी महरिया का एक अलग से क्रेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की जोड़ी में चले गई। महरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है महरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, महरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरी सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष महरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष महरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष महरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष महरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष महरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर, सुभाष महरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, महरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष महरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है।
समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था। विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। देखिए आपने सुना रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाष ही सिर्फ मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, 8 की 8 सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो 8 की 8 सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरी सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष मेहरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं 5 साल बाद, आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया।
और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में। राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना रामचरण बोरा जी भी यहां मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौर साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौर साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौर साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं, और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष, यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की, सुभाष ही सिर्फ मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, तीन बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं तो सीकर की बात करूंगा तो आठों की सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या किसानों के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरिसिंह जी। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष बैरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं 5 साल बाद, आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बेसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर, सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बेसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लग रहा है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बेसला जी भी हैं। बेसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं,
वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोगी साबित होगा। सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष, यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाषी से, मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाट चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर? सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, 8 की 8 सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं तो सीकर की बात करूंगा तो 8 की 8 सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या किसानों के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरिसिंह जी। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष मेहरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं।
सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष महरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष महरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पूनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बेसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष महरिया के साथ सतीश पूनिया जी हैं, विजय बेसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, महरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी प्रैट और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष महरिया जी हैं, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष महरिया जी का, विजय बेसला जी भी हैं। बेसला जी, किस प्रकार से देखते हैं महरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बात की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, महरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, महरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में महरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोगी साबित होगा। सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का, और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है महरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं, और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष, यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की, सुभाष ही सिर्फ महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो
इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों की आठों सीट कांग्रेस की जोड़ी में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या? किसानों के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है। मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरि सिंह जी। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष बैरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे, विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर, सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है,
और उस उनके आने के बाद में और शेखावाटी को मजबूती मिलेगी और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोगी साबित होगा। सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाष ही सिर्फ मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, तीन बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों की आठों सीट कांग्रेस की जोड़ी में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या किसानों के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरी सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष मेहरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी
कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहाँ पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पूनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पूनिया साहब आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था। विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की, सुभाष ही सिर्फ मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर? सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है,
और भारतीय जनता पार्टी में जो जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों की आठों सीट कांग्रेस की जोड़ी में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरि सिंह जी, चौधरी हरि सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे ही सुभाष बैरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं। 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखर वाटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी हैं, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था। विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहां मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौर साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौर साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए
हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावा टीम जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाष ही सिर्फ महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, तीन बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और महरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी महरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। महरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है महरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, महरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरि सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष महरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं 5 साल बाद, आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष महरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष महरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष महरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष महरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बेसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर, सुभाष महरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बेसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, महरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है,
खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैट और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा। देखिए, ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बेसला जी भी हैं। बेसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। देखिए, आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा। सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं, और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर। सुभाष, यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाष ही से मेहरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से, क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावटी का एक दिग्गज जाट चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर? सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और मेहरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी मेहरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। मेहरिया साहब अगर आते हैं तो सीकर की बात करूंगा तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है मेहरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, मेहरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे
चौधरी हरी सिंह जी, चौधरी हरी सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष बैरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं। 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे नेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसिला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी हैं, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बात की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था? विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौर साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौर साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। देखिए, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले ही किनारा करते हैं,
अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाषी से महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, 3 बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाग चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और महरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी महरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। महरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है, हो गया है, तो क्या किसानों के बड़े नेता है महरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, महरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरिसिंह जी। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष महरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जात चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूर्व सांसद सुभाष महरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसिला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष महरिया, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष महरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष महरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष महरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर, सुभाष महरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेनी चाहेंगे महरिया साहब की घर वापसी। और एक बार फिर आपको बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं जयपुर में, जहां पर आपको बता दें कि सुभाष महरिया कुछ ही देर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। लगातार तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर देखिए तमाम बीजेपी के दिग्गज जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, सतीश पुनिया और साथ ही सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर वहां पर मौजूद हैं। राजेंद्र राठौर की बड़ी भूमिका मानी जाती है सुभाष महरिया की घर वापसी के लिए। पूर्व सांसद सुभाष महरिया जो कि 3 बार सीकर से सांसद रहे, इसके साथ साथ अटल सरकार में मंत्री भी रहे, शेखावाटी का दिग्गज जात चेहरा, और बीजेपी का दावा यही कि
सुभाष बहरिया के पार्टी ज्वाइन करने से सीकर और शेखावटी में उन्हें मजबूती मिलेगी। यहाँ पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है और लगातार महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या कुछ कहते हैं सुभाष बहरिया और उसके साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। अगर राजनीतिक इस खबर के आप समझे तो सीकर में बीजेपी कमजोर है और बहरिया के जरिए बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर पार्टी के नेता कर रहे हैं। हालांकि सुभाष बहरिया निर्दलीय में चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस में भी उन्होंने किस्मत आजमाई लेकिन 2019 में वो हार गए। पायलट की अहम भूमिका मानी जाती है सुभाष बहरिया को कांग्रेस ज्वाइन कराने में, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक भविष्य पर यहाँ पर पायलट का चल रहा है और उसी के बाद सुभाष बहरिया का घर वापसी करना, बीजेपी ज्वाइन करना कई मायने में खास हो जाता है। सतीश पुनिया को आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौर को आप देख सकते हैं, सीपी जोशी भी मौजूद हैं, प्रभारी अरुण सिंह भी 1:30 बजे ही पहुंच चुके थे बीजेपी कार्यालय में और एक बड़ा इवेंट के तौर पर इसे यहां पर बनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। दिग्गज आज चेहरा रहे हैं सुभाष बहरिया और उन्हें जब टिकट नहीं मिला था तो फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी 2018 के चुनाव से पहले और एक बार फिर वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए घर वापसी उसके मायने क्या और क्या उनका राजनीतिक करियर रहा है ये भी लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। पहला चुनाव सीकर में लड़ा था और 1996 में लोकसभा का चुनाव हालांकि वो हारे थे, इसके साथ साथ 1998 में पहली बार वो सांसद बने, 3 बार सीकर से सांसद बने, 1999 सीकर से लगातार दूसरी बार सांसद बने और 99 से 2004 तक अटल सरकार में मंत्री भी रहे, यानी कि कैबिनेट का उन्हें अनुभव। 2004 में लगातार तीसरी बार सीकर से सांसद रहे, 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार खंडेला से हालांकि वो हार गए, 2013 में लक्ष्मणगढ़ से टोटासरा से चुनाव हारे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई साल उन्हें हो गए हैं जीत का स्वाद उन्होंने चखा नहीं है। 2014 में भी चुनाव में वो हारे थे और बहरिया बागी होकर सीकर से चुनाव लड़े लेकिन हारे और 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में चले गए थे पायलट के कहने पर। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा लेकिन वो हार गए। सुभाष बहरिया के समर्थन में देखिए नारेबाजी भी हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर बैठे हुए हैं और सीपी जोशी और अरुण सिंह उन्हें आज पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सीकर एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी कमजोर रही है और उसे उम्मीद है कि बहरिया के जरिए उसे मजबूती मिलेगी, क्योंकि खबर यह भी कि किसान नाराज हैं और उस वर्ग को खुश करने के लिए भी बहरिया की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर मानी जा सकती है। सीपी जोशी भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सुभाष बहरिया जो कि पूर्व सांसद रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, आज उनकी 5 साल बाद एक बार फिर घर वापसी होने जा रही। 2018 में चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। आप एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथ अपने जो तमाम समर्थक हैं उनके साथ, राजेंद्र राठौर और अरुण सिंह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके तमाम समर्थक हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आज वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी की यहाँ पर मजबूती मिलेगी। राजेंद्र राठौर का ये तक दावा कि अभी शुरुआत है, समझदार लोग माला बदल कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें सुभाष बहरिया की शुरुआत कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। राजेंद्र राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पुराने मित्र रहे हैं, सुभाष बहरिया को पुराना मित्र बताते हुए घर वापसी वो करा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सीपी जोशी उनको सुनते हैं। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता आदरणीय सतीश पुनिया जी,
यहाँ उपस्थित माननीय बैसला जी, बदलाल जी और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने दायित्व का निर्वहन किया और सांसद के रूप में एक अपनी पहचान बनाई और किसान नेता के रूप में प्रदेश और देश में जिनकी पहचान है, ऐसे सुभाष बैरिया जी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों को लेकर उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और ऐसे कई अधिकारी वर्ग भी हैं जिनको लगता है कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का राज आया है, आजाद राजस्थान के बाद कोई पहली ऐसी सरकार आई होगी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार ने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में हराकर 2023 में कमल खिलाने को लेकर इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने में रामदेव सिंह जी खेरवा जो आईएएस अधिकारी हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। पीआर मीणा जी आईएएस अधिकारी, जिनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जेल मीणा जी जो डीजीपी रहे हैं, एक बार मीणा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सीआर मीणा जी जो कमिश्नर रहे हैं, सब कमिश्नर, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर नरसिंह किरार जी जो अच्छे छात्र नेता रहे हैं, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हेमंत शर्मा जी निदेशक स्कूली शिक्षा गंगापुर सिटी, आज ये भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले राजस्थान में और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। ये भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की